हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और नासा ने मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए की तस्वीर पूरे दुनिया के सामने पेश की। लेकिन एक मिनट, हमारे मिल्की वे को बने तो पूरे 14 बिलियन साल हो चुके हैं और हम ह्यूमंस के इस अर्थ पे आए 3 लाख साल। तो फिर ताजुब की बात तो यह है कि इतने विशाल ब्लैक होल को हमारे मिल्की वे के सेंटर में हम इससे पहले देख क्यों नहीं पाए। Well, क्या इसीलिए? क्योंकि ब्लैक होल अपने पर पड़ने वाली सभी ऑब्जेक्ट और फिर चाहे वो लाइट के पार्टिकल्स क्यों ना हो, उन्हें तक अपने सरफेस पर पड़ते ही अंदर समेट लेता है। और इसीलिए आज तक के इतना बड़ा ब्लैक होल हमें कभी दिखाई नहीं दिया, इज इट? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 12th May 2022, एक ऐसा दिन जब सालों से चल रही साइंटिस्टों की मेहनत के फल मिलने का वक्त आ गया था। एक ऐसा ब्रेक थ्रू जिसमें नासा के टेलीस्कोप को सरप्राइजिंगली एक ऐसी पिक्चर लेने मिली थी जो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि एक जायंट एनॉर्मस सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए की थी। आज तक जिसकी सिर्फ हम थियरी सुनते आ रहे थे, आज वो हमारे आंखों के सामने था। लेकिन लेट मी ऑल्सो टेल यू, सैजिटेरियस ए सिर्फ इकलौता ब्लैक होल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है। आज हमारे गैलेक्सी में एटलीस्ट 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल्स तक मौजूद है। एंड यस, बिलियंस ऑफ इट, जिसे स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट ने प्रूव भी किया है। उनके हिसाब से हर 1,000 स्टार के ग्रुप में एक सितारा ऐसा होता है जो इतना विशाल होता है कि वो एक ब्लैक होल में तब्दील होने की कैपेबिलिटी रखता है। Which means, if you put it into perspective, मिल्की वे में आज की तारीख में 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं, which means calculation के हिसाब से यहाँ पर एटलीस्ट 100 मिलियन ब्लैक होल्स होने चाहिए। और ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है बल्कि नासा का खुद का भी यही मानना है। Now, I know, इतने सारे आंकड़ों के बारे में सुनकर आपकी दिमागी दुनिया जरूर हिल गई होगी कि अगर इतने सारे ब्लैक होल्स हमारे गैलेक्सी में है तो पूरा का पूरा गैलेक्सी ही ब्लैक होल में क्यों नहीं समा जाता है, या फिर ये सारे ब्लैक होल्स मिलकर हमारे गैलेक्सी को ही क्यों नहीं निगल लेते, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि इनके बारे में जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन फिट कराई गई है वो ये है कि ये है द मोस्ट डेंजरस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। वेल, आपकी बात कहीं ना कहीं सही भी है, बट बात ये है ना कि इसके बारे में हमारे पास आज की तारीख में भी बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। ब्लैक होल्स यू समझो एक बड़े से समुद्र से निकली हुई एक बूंद की तरह है और इसीलिए हम इससे अनजान है। अनजान इसीलिए क्योंकि हम इन्हें देख ही नहीं सकते हैं। और अगर हम इन्हें डिटेक्ट करने की बात करें तो इन्हें डिटेक्ट करने के बस सिर्फ 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट्स को ट्रैक करना, उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस को स्टडी करना और उन पर आ रहे ग्रेविटेशनल पुल को ऑब्जर्व करना। नंबर 2, ब्लैक होल से आते हुए रेडिएशन को मेजर करना, बिकॉज एज वी ऑल नो, ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसने अगर लाइट को एक बार निकल लिया तो लाइट का उसके चुंगुल से बचकर बाहर निकलना मानो नामुमकिन है। एंड ऑब्वियसली अगर लाइट नहीं निकलेगी तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज तभी निकाली जाती है जब उस पर किसी प्रकार की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो लाइट उस पर गिरते ही सीधा एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो फिर आखिर ये सवाल उठता है कि रिसेंटली नासा ने जो इमेज कैप्चर की है वो आखिर की कैसे, और उसमें दिखाई देने वाली चीज आखिर क्या है? Well, according to the structure of black hole, हमें इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो है हॉट प्लाज्मा जो ब्लैक होल के अराउंड कंटिन्यूअसली स्वर्ल कर रहा है और उसके साथ दिखाई दे रहा है ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का शैडो। अब इमेज में एग्जैक्टली कैसे और क्यों दिखाई देता है इसे मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज एक ब्लैक स्पीयर है विच रिप्रेजेंट्स ब्लैक होल्स इवेंट होराइजन। अब अगर सिर्फ इतना ही ब्लैक होल होता तो हम इसे कभी देख ही नहीं पाते और ना कभी इसे डिटेक्ट कर पाते क्योंकि स्पेस इटसेल्फ घने काले अंधेरे से घिरा हुआ है जिसमें डार्क ऑब्जेक्ट्स को निकालना मानो 100 लोगों की भीड़ में उस इंसान को ढूंढ के निकालना जिसका हुलिया तक आपने कभी नहीं देखा है। डिफिकल्ट, राइट? लेकिन अभी हमें इमेज में इवेंट होराइजन दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ एक्रीशन डिस्क। ये इमेज में व्हाइट राउंड चीज है एक्रीशन डिस्क। इस एक्रीशन डिस्क में डस्ट और गैसेस बहुत ही केओटिकली घूमते रहते हैं एट इनक्रेडिबली हॉट टेम्परेचर्स। आई मीन इतना हॉट कि सन की हॉटनेस भी इसके सामने चाय कम पानी है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, यही एक्रीशन डिस्क ब्लैक होल की रोजी रोटी है क्योंकि एक्रीशन डिस्क में मौजूद मैटर्स पर ये फीड करते हैं और बीतते समय के साथ साइज में बढ़ते जाते हैं। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आपने क्रिप्टो करेंसी के म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है? Well, क्रिप्टो करेंसी काफी रिस्की है ऑन इट्स ओन, तो इसका म्यूचुअल फंड कितना सेफ और प्रॉफिटेबल हो सकता है आइए जानते हैं। Well, क्रिप्टो का म्यूचुअल फंड बोले तो मुद्रेक्स ऐप, ये ऐप 2,50,000 लोग यूज करते हैं। 100+ कंट्रीज में अवेलेबल है। इसमें ट्रेडर्स का एसेट 20 मिलियन+ है और यहाँ के टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो लगभग $3 बिलियन वर्थ है। इसमें आप सिर्फ $5 से भी अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और मुद्रेक्स आपको INR में भी इन्वेस्ट करने का मौका देता है। इतना ही नहीं, इसमें आप म्यूचुअल फंड स्टाइल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि हर महीने एक छोटे अमाउंट से शुरुआत। इनफैक्ट मुद्रेक्स में आप पास्ट परफॉर्मेंस और स्टैट्स को स्टडी करके अपना रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हो। प्लस ये ऐप ऑफर करता है यूनिक फीचर जिसका नाम है कॉइन सेट्स, जो बेसिकली क्रिप्टो टोकन के सेट्स होते हैं, यानी कि बास्केट्स, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। ये ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, उनका कस्टमर सपोर्ट भी 24/7 ऑन होता है। सो टू गेट स्टार्टेड आपको बस एक सिंपल सा KYC प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। उनका जो वॉलेट है वो Binance पावर्ड है। सो देर किस बात की, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन
subscription and use my coupon code GET15 to get $15 as a sign-up reward. Here is a twist. कितने भी साल गुजर जाए, accretion disk कभी भी event horizon की तरफ extend नहीं होता. उनका size जैसे का तैसा ही रहता है. और वो इसीलिए क्योंकि accretion disk के दो orbits होते हैं, एक inner और एक outer most. जब तक कोई भी object outer orbit में swirl कर रहा है, यानी घूम रहा है, तब तक ठीक, क्योंकि ये एक stable orbit है. लेकिन अगर वो गलती से inner orbit में चला गया, तो समझ लो, खत्म. वहीं उसका दी एंड होना तय है. ऐसा एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो इवेंट होराइजन के चुंगल से अपनी जान को बचा सका है, एक्सेप्ट लाइट. क्यों, क्या हुआ, कंफ्यूज्ड? आई नो, मैंने ही पहले बताया था कि ब्लैक होल लाइट निकलने वाला बीस्ट है, और देखा जाए तो वो सच भी है. लेकिन अगर देखा जाए ना, तो लाइट इकलौती ऐसी चीज भी है जो इवेंट होराइजन के अराउंड ऑर्बिट कर सकती है. यस, बट एट 1.227 × 10⁻¹⁰ m. और ये कैसे? Well, इसके लिए फिर से एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देते हैं. इस लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक येलो रिंग की मदद से, कुछ इस प्रकार. बट बेसिकली दिस रिंग इज नथिंग बट अ स्फीयर ऑफ फोटोन ऑर्बिट, यानी फोटॉन्स घूम के एक पूरा स्फीयर बना के वापस एक ही जगह पर आ जाते हैं. नाउ जस्ट इमेजिन, आप इस रिंग पर खड़े हो. आई नो नामुमकिन है, और इसीलिए बोला जस्ट इमेजिन. अब इस रिंग पर खड़े होके आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो, तो इसके रिजल्ट में आपको खुद की ही पीठ दिखाई देने लगेगी, क्योंकि फोटोन का एक स्फीयर कंप्लीट हुआ. अब ये जो फोटोन स्फीयर है वो एक अनस्टेबल ऑर्बिट है, मतलब ये एक स्प्रिंग की तरह है जो इवेंचुअली स्पाइरली इवेंट होराइजन के अंदर ही जाकर खत्म होता है. लेकिन इसमें भी दो केसेस हैं. फर्स्ट है, जैसे ही ऑब्जर्वर से लाइट रेस पैरेलली ट्रैवल करके इस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करेंगे, वैसे ही ब्लैक होल के अराउंड प्रेजेंट स्पेस टाइम कर्व की वजह से लाइट रेस बेंड होकर एंड करेंगे ब्लैक होल के एंड में. एंड द सेकंड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग केस इज, अगर लाइट रेस पैरेलली इवेंट होराइजन के सेंटर से 2.6 रेडियस दूर से ट्रैवल करें, तो वो लाइट ब्लैक होल के अंदर एंटर नहीं करेगी. वो इवेंट Horizon की एक शैडो क्रिएट करेगी जिसकी साइज 2.6 टाइम्स ज्यादा होगी, कुछ ऐसे. नाउ जस्ट इमेजिन दैट द एक्रीशन डिस्क इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जब इस केस में लाइट जब एक्रीशन डिस्क से अंदर एंटर करती है, तो वो सीधा जाकर स्ट्राइक करती है फोटोन स्फीयर के टॉप मोस्ट एज पर, और स्ट्राइक हुई लाइट रेस बेंड होकर ब्लैक होल के नीचे वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट होती है, और सिमिलरली नीचे वाले हिस्से में भी होता है, जिसकी वजह से ब्लैक होल की एक ऐसी इमेज दिखाई देती है जो सभी साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाई जाती है. पर अगर ध्यान से इमेज को आपने देखा होगा, तो एक साइड ज्यादा ब्राइट है और दूसरा साइड लेस ब्राइट. इसके पीछे का रीजन है रिलेटिविस्टिक बीमिंग या फिर डॉपलर बीमिंग. फिनोमेनन काफी सिंपल है. एक्रीशन डिस्क में मूव होने वाले मैटर की स्पीड ऑलमोस्ट लाइट स्पीड की 8% होती है, जिसका मतलब अगर वो अपने तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो कंपैरेटिवली ब्राइट दिखेगा एज कंपेयर टू जब रिटर्न जा रहा है, और इसी की वजह से आपको एक साइड ब्राइट दिखता है. सो होपफुली इससे आपको समझ आ गया होगा कि हम एग्जैक्टली कौन सी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या करते आए हैं, एंड ये भी कि इसे डिटेक्ट करना कितना और क्यों मुश्किल है. और इसीलिए आज की तारीख में साइंटिस्ट सिर्फ दो ही ब्लैक होल्स की इमेजेस को कैप्चर करने में सफल हो पाए हैं. एक है M87 और दूसरा सैजिटेरियस A. Well, देखा जाए तो M87 ढूंढने का तो इनका कोई मकसद भी नहीं था. M87 के वक्त भी मेन मिशन ओन गैलेक्सी के ब्लैक होल को ढूंढने का था, और इस ब्लैक होल की सर्च के लिए नासा पूरी तैयारी के साथ स्पेस में उतर चुका था. लेकिन क्योंकि अर्थ और सेंटर ऑफ गैलेक्सी के बीच कई सारे डस्ट और गैस पार्टिकल्स का घर बसा हुआ है, तो इसी के वजह से ये मिशन ने कोई और ही मोड ले लिया और जा पहुंचा M87 गैलेक्सी में, जो अर्थ से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है. पर इस खोज से मिशन रुका नहीं, वो कंटिन्यूअसली उसी की खोज में लगे हुए थे. डस्ट और गैसेस के प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने एज अ वेपन इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज किया, ताकि वो डीब्रीज के बीच बड़े आसानी से पेनिट्रेट करते हुए दूर तक की चीजें दिखा पाए. एंड माइंड यू, ये पेनिट्रेशन कई सालों से चलते आया है, और तब जाके हम अपने गैलेक्सी के हार्ट तक, ब्लैक होल तक पहुंच पाए हैं. जब साइंटिस्ट से इस मिशन के बारे में पूछा गया था, तब उनकी सिर्फ एक ही राय थी, अमेजिंग जर्नी. अर्थ से ब्लैक होल तक की जर्नी में साइंटिस्ट को कई नई चीजें पता चली, जैसे कि अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ऐसे स्टार्स का झुंड जो एक लेस ब्राइट मैसिव और कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के अराउंड हर एक पॉसिबल एक्सेंट्रिक ऑर्बिट में घूम रहे थे. ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स जो ट्विंकल नहीं बल्कि फ्लिकर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इस कंक्लूजन पर आए कि अर्थ और सैजिटेरियस ए ब्लैक होल के बीच करीबन 1 मिलियन ब्लैक होल्स सिचुएटेड है. अब ब्लैक होल तो मिल गया, लेकिन अब मेजर टास्क था उसकी इमेजेस को फॉर्म करना, क्योंकि सैजिटेरियस से इतना टाइनी है कि समझो मून से डोनट का साइज कितना दिखेगा, वो उतना छोटा है. बट थैंक्स टू इवेंट होराइजन एंड अदर टेलीस्कोप्स, जिन्होंने ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन के पैरेलल रेज को कैप्चर किया. बेसिकली इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एक ग्रुप ऑफ टेलीस्कोप है जो अर्थ पर कई सारे अलग अलग जगह पर प्लेस्ड है. सो ये टेलीस्कोप्स क्योंकि एक दूसरे से कई कोसों मील दूर है, इसीलिए सेम टाइम पर रेडिएशन को डिटेक्ट करना
करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इसके सोल्यूशन के लिए साइंटिस्टों ने हर एक टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट किए गए रेडिएशन के टाइम को नोट किया और फिर नोट किए हुए टाइम फ्रेम के हिसाब से हर एक इमेज को यूज करके इस इमेज को बनाया। और अभी इस डेटा और टेक्निक्स की मदद से उन्होंने ऑलरेडी बाकी ब्लैक होल्स के लिए सर्च ऑपरेशन अनाउंस कर दिया है। व्हाई? बिकॉज़ जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सांसें लेना है उतने ही इंपॉर्टेंट ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के लिए हैं। आज हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसके अराउंड सारे स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आज ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एग्जिस्ट नहीं करते तो सारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स स्पेस में ही कहीं घूम हो गए होते या फिर एक दूसरे से ही ग्रेविटेशन के वजह से टकरा रहे होते। मतलब बात काफी सिंपल है, ब्लैक होल्स का ना होना इज इक्वल टू आपका और मेरा ना होना, व्हिच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सके। और फ्रेंड्स, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करना ना भूले। साइन अप करो और साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना जिससे आपको मिलेगा $15 इन योर मुद्रेक्स वॉलेट। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।